नमस्कार साथियों, राजस्थान टॉक्स पर आपको स्वागत है। राजस्थान टॉक्स की स्पेशल सीरीज 25 लोकसभा जाति में आज हम बात करेंगे पाली लोकसभा सीट के जाति समीकरण व आगामी उम्मीदवारों के बारे में। पाली लोकसभा सीट पर कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें पाली जिले की 5 व जोधपुर जिले की 3 विधानसभा शामिल है, जिसमें पाली की सोजत, पाली, बाली, सुमेरपुर व मारवाड़ जंक्शन, तो वही जोधपुर की ओसिया, भोपालगढ़ व बिलाड़ा शामिल है। बात करें हम सोजत विधान सीट की, तो सोजत विधान सीट पर राजपूत, सिरवी समाज महत्वपूर्ण भूमिका में है, तो वही माली, मेघवाल, मुस्लिम, देवासी व जाट समाज भी काफी प्रभावी है। तो वही पाली विधान सीट पर जैन, राजपूत, देवासी व सिरवी समाज महत्वपूर्ण भूमिका में है, तो वही घांची, मेघवाल, राजपुरोहित समाज भी काफी प्रभावी है। बाली विधान सीट पर राजपूत, जणवा व आदिवासी समाज महत्वपूर्ण भूमिका में है, तो वही देवासी, राजपुरोहित व मूल ओबीसी समाज भी काफी प्रभावी है। इसके साथ में सुमेरपुर विधान सीट पर राजपूत, कुमावत, सिरवी समाज महत्वपूर्ण भूमिका में है, तो वही माली, मीणा व देवासी, ब्राह्मण समाज भी काफी प्रभावी है। मारवाड़ दक्षिण विधान सीट पर जणवा, राजपूत, मेघवाल समाज महत्वपूर्ण भूमिका में है, तो वही राजपुरोहित, मुस्लिम, देवासी व मूल ओबीसी समाज भी काफी प्रभावी है। बिलाड़ विधान सीट की बात करें तो सीट पर जाट व मेघवाल समाज महत्वपूर्ण भूमिका में है, तो वही राजपूत, माली व सिरवी समाज के साथ मुस्लिम भी काफी प्रभावी है। भोपालगढ़ विधान सीट पर जाट समाज एक तरफा महत्वपूर्ण भूमिका में है, तो वही मेघवाल, राजपूत, माली व मूल ओबीसी समाज भी काफी प्रभावी है। वही ओसिया विधान सीट पर जाट व राजपूत महत्वपूर्ण भूमिका में है, तो वही बिश्नोई, माली, मेघवाल समाज भी काफी प्रभावी है। पाली लोकसभा सीट की बात करें तो इस सीट पे ताजा आंकड़ों के अनुसार कुल 23,16,706 मतदाता है। पाली लोकसभा सीट जातीय आंकड़ों के अनुसार मूल ओबीसी समाज, राजपूत, सिरवी, मेघवाल व जाट बहुल सीट है, जिसमें राजपूत 2,40,000 के आसपास, तो वही सिरवी समाज 2,20,000 के आसपास, तो मेघवाल समाज 2,00,000 व जाट समाज 2,00,000 के साथ मुस्लिम 90,000, राजपुरोहित 90,000, जैन बनिया 50,000, ब्राह्मण 50,000 मतदाता है जो सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका में रहा करते हैं। तो वही मूल ओबीसी समाज की जातियाँ कुल 6,00,000 से ऊपर है, जिसमें देवासी समाज 1,20,000, माली 1,00,000, कुमावत 90,000, घांची 80,000, सुथार 60,000, राणा राजपूत 60,000, रावत 40,000, बिश्नोई 40,000, चारण 30,000, गुर्जर 30,000 मतदाता है जो इस सीट पर निर्णायक भूमिका में रहा करते हैं। तो वही एससी वर्ग की बात करें तो एससी वर्ग के कुल 4,60,000 से अधिक मतदाता है, जिसमें मेघवाल के अलावा सरगरा 60,000, बावरी 40,000, वाल्मीकि 40,000, रेगर 30,000 मतदाता है। इसके साथ में एसटी वर्ग कुल 1,40,000 से अधिक मतदाता है, जिसमें भील 50,000, मीणा 35,000, गरासिया 35,000 मतदाता है जो सीट पर निर्णायक भूमिका में रहा करते हैं। इसके साथ में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए इस सीट पर कई उम्मीदवार दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिसमें पूर्व भाजपा सांसद रहे वरिष्ठ नेता पुष्प जैन, पीसीसी सदस्य व पूर्व सचिव राजस्थान कांग्रेस खेत सिंह मेढतिया, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जेएनयू जोधपुर सुनील चौधरी, डायरेक्टर राज इंस्टीट्यूट ग्रुप व कांग्रेस नेता डॉक्टर राजूराम चौधरी, लगातार 2 बार से सांसद व वर्तमान सांसद पीपी चौधरी, चेयरमैन राजस्थान राज्य बाल आयोग संगीता बेनीवाल, पूर्व प्रदेश आईटी सह संयोजक यूपी व भाजपा नेता मांगीलाल चौधरी, पूर्व मंत्री स्वर्गीय नरेंद्र सिंह के पुत्र व पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़ चुके मृगेंद्र सिंह भाटी, पूर्व विधायक ओशिया व कांग्रेस नेत्री दिव्या मदरेणा, पूर्व चिकित्सा मंत्री व पूर्व विधायक रहे बिलाड़ा के राजेंद्र चौधरी के नाम इस सीट से चर्चा में है। इसके साथ में आपसे भी जानना चाह रहे हैं कि इस बार सीट से कौन उम्मीदवार हो सकता है, कौन सी पार्टी हो सकता है, इस बारे में आप राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारा वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप तक हमारे अगली वीडियो के अपडेट पहुंचते रहे। मिलते हैं अगली लोकसभा नागौर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।